तरह पूरे हाल में कपड़े ही कपड़े लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हाल है, ये सामने यहाँ पे डांस वगैरह भी होता है। जिस तरह ये कपड़े सारे, ये सारे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डेढ़ हो चुका है, तो आज जो है स्कूल से भी छुट्टी है। तो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा था, तो नहा धो के अभी जो है फ्रेश हो चुका हूँ। एक काफ़े का जो है वो कप पिया है। तो आज चलते हैं बाहर। तो बाहर का मौसम जो है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जो हमारे घर के सामने पार्किंग है, वहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जो है ना आज गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा हाल है। वहाँ पे कुछ जो है ना, मेरे ख्याल से कोई चीज़ें कुछ सेल कर रहे हैं। तो चलें देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कौन सी चीज़ें वो सेल कर रहे हैं। तो कोई चीज़ पसंद आएगी तो हम भी एक उठा लेंगे, वरना चीज़ें जो हैं वो देखने के कौन से पैसे लगते हैं। तो चलें, इस तरह बाहर की सैर भी हो जाएगी और देख लेते हैं कि वहाँ उस हाल में क्या चीज़ लगी हुई है। तो जी हाँ गाइस, अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। तो कल की जो है गाड़ी, वो मैंने यहाँ दरवाज़े के सामने पार कर दिया। तो देखें, अपने ही मैंने जो है वो कपड़े पहने हुए हैं। देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। तो गाइस, मास्क और पैसे जो है वो ले लिए। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो भी उठा लेंगे। कल वैसे बेसिकली मैं जब कल भी वॉक करने के लिए निकला था ना, तो मैंने देखा था वहाँ पे एक गाड़ी, डब्बा टाइप गाड़ी थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना वो लोड किया हुआ था। अब पता नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ इस हॉल में जो है ना वो एक्टिविटी की जाती है, और कभी खेलों की एक्टिविटीज़ होती है, कभी कोई चीज़ सेल करते हैं, कभी इस हॉल में डांस होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये इस गांव का एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ इन्होंने दिखानी हो तो वो इस तरह करते हैं। तो चलते हैं अभी देखते हैं आज। हाँ, मेरे ख्याल दूर से तो मैंने देख लिया, कपड़े ही लगे हुए हैं। देखते हैं अगर कोई हमें भी कपड़ा पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी भी तो पब्लिक सिटी कर ही रहे हैं। हमने भी अपने ही कपड़े पहने हैं, पाकिस्तान वाले। तो ऊपर जैकेट पहनी है, जैकेट वैसे मैंने पहनी नहीं थी, बाहर थोड़ी सी सर्दी है इसलिए मैंने जो है जैकेट पहनी है। तो चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आए हुए हैं, बाहर का सीन भी देखते हैं। तो अभी मास्क पहन लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या चीज़। वैसे तो लिखा हुआ है बेसालन बा कि आपने जो है पैसे पे करने हैं, तो वो सिर्फ कार्ड नहीं चलेगा, इस तरह ही पे करने हैं। तो ये इसका इंटर है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। हदायात, आपने जो है अबस्टेंट रखना है, आपने जो है मास्क पहनना है। तो पता नहीं क्या कीमत है क्या नहीं, देखते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो गाइस, फाइनली जो है मैं इंटर हो चुका हूँ। तो देखें, सबसे पहले जो है आपने अपने हाथ जो हैं वो क्लीन करने हैं, सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करना है, और उसके बाद जो है आपने फिर आगे जाना है। तो चलें आगे के सीन किस तरह है देखते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखें, काफ़ी ज़्यादा जिस तरह ये जैकेट लगी हुई है, ये चीज़ें वो लगी हुई हैं जो कोरोना, आपको पता है कोरोना आया था, और कोरोना के सिस्टम में जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनकी सेल नहीं हुई, और ये कुछ चीज़ें इन्होंने जो है ना इस तरह पूरे हाल में कपड़े ही कपड़े लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हाल है, ये सामने यहाँ पे डांस वगैरह भी होता है। जिस तरह ये कपड़े सारे, ये सारे। लेकिन मैं भी तभी आया, देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है। मैंने भी अपने ही कपड़े पहने हैं, तो अभी देखते हैं कोई चीज़ हमें भी शायद पसंद आ जाए, हम भी ख़रीद लेते हैं। यहाँ तो यहाँ पे भी जो है जैकेटें लगी हुई हैं काफ़ी प्यारी। देखते हैं अभी कोई हम भी जैकेट देख लेते हैं जिस तरह के। ये भी काफ़ी ज़्यादा जैकेटें जो हैं इन्होंने लगाई हुई हैं। तो ये सारी एल हैं, लेकिन मुझे एल जो है वो आता नहीं है,
तो बेसिकली मैं जो है ना इस तरह की जैकेट जो है ना मुझे इस तरह की जैकेट जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। देखते हैं अभी कोई जैकेट शायद पसंद आ जाए हमें। ये कितने का है? 400 रुपये का। ये गाइस मुझे जो है ना ये चीज़ एक बहुत ही प्यारी लगी है। देखते हैं ये देखें ये चीज़ एक मुझे जो है ना बहुत ही प्यारी लगी है लेकिन गाइस बात भला क्या है, मज़ा आया घूमने का, इतनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे जो है ना वो अलाउ नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी जो है बना ली उनसे पूछ के। तो बात ये है यहाँ पे अगर मैं आपको कीमतें बताऊँ ना, शायद मैंने एक दो दिखाई भी है, 150 रुपया 200 रुपया एक जैकेट की कीमत, जो एक नॉर्मल शर्ट है उसकी कीमत है तकरीबन 150 रुपया 80 रुपये 100 रुपया। मैंने सोचा है इतने पैसे, 100 रुपया हम अगर अपने 100 यूरो की अपने मुल्क में शॉपिंग करें तो माशाल्लाह कितनी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने फिर कुछ चीज़ें ली नहीं क्योंकि कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस तरह ही जो है मैं तो देख दूख के ही जो है ना इस तरह ही आ गया और अपना कल्चर भी जो है वो प्रमोट कर दिया थोड़ा। आके जो है ना लोग मुझसे पूछने लगे ये आपने कौन सा लिबास पहना हुआ है, ये जूते आपने कहाँ से लिए हैं। फिर मैंने भी बताया आपने भी दुकानदार लगाई है, मैंने भी यहाँ पे मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि शायद किसी को पसंद आ जाए और वो भी मुझसे जो है ना कहे कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। अभी भी जो है ना बारिश होना शुरू हो गई है लेकिन अब चलते हैं घर। गाइस फाइनली जो है मैं घर आ चुका हूँ। वो जो मार्केट थी वो हमारे लेवल की नहीं थी, वो ऊपर के लेवल के लोगों की थी जिनकी 4,000-5,000 यूरो तनख्वाह हो। वहाँ पे एक शर्ट जो है खाली एक शर्ट उसकी कीमत 80 रुपये 90 यूरो 80 यूरो। तो मैंने जस्ट विज़िट ही किया थोड़ा सा, मैंने कहा जब चीज़ लेनी नहीं है तो फजूल में क्यों मैं यहाँ पे कुछ मैं कपड़े जो है वो दूसरे पहन के आ गया, तो मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं वो डरते हैं, तो इसलिए मैं फिर वापस आ गया अपने घर। गाइस दिल तो था कि और भी जो है बाहर घूमा जाए, घूम फिर लेते हैं क्योंकि आज छुट्टी है कल भी छुट्टी है, लेकिन यहाँ पे बारिश ही इतनी हो रही है। आज देखें आवाज़ तो आपको आ रही होगी, फिलहाल जो है ना मैं घर ही बैठा हूँ, सारा दिन जो है आज घर ही गुजार दिया, सिर्फ वही गया हूँ वो देखने के लिए जो यहाँ पे वो मनियारी लगी हुई थी कपड़ों की मनियारी। तो बस आज दिल था कि आपको यहाँ पे बिल्कुल साथ ही एक चर्च है बहुत ही पुराना है, तो उसका आपको विज़िट करवाता दिखाता। जर्मनी में जितने भी पुराने मकाम आते हैं बिल्डिंगें चर्च वगैरह इस तरह वो सारी जो है ना इन्होंने डेट हर चीज़ जो है ना उसकी हिस्ट्री साथ साथ लिखी होती है। तो बस बारिश हो रही है कहाँ जाएंगे, फिर घर ही बैठे हैं, आज तो घर बैठ बैठ के सारा दिन गुजर गया। तो आज माशाल्लाह अपने पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए हैं और नीचे पिशोरी चप्पल, माशाल्लाह बहुत ही कंफर्टेबल जो है अपने आप को फील कर रहा हूँ, बहुत ही सुकून दे। और यहाँ जीन्स पहन पहन के ना मत्ती बच जाती है बंदे की। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो इंशाल्लाह कल देखते हैं कोई नई वीडियो, तो चलेंगे फिर कल जो है उस, अगर कल बारिश ना हुई तो फिर जाएंगे वो चर्च की जो है सैर करेंगे, बाहर से आपको दिखाएंगे सारा कुछ और जो जो उन्होंने मेमीज़ वो जो मुजस्मे बना के लटकाए हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अपने गांव का थोड़ा सा और विज़िट करवाएंगे। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।